हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोली फैक्ट्स एंड मोटिवेशनल। आज एक बार फिर से मैं प्रस्तुत हूँ कोरोना के एक नए वेरिएंट के साथ। जी हाँ, आज मैं चर्चा करूंगी क्या सच में ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये नया वेरिएंट कोरोना का। साउथ अफ्रीका के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट मिला है जिसका नाम है नियोको। नियोको में जो सबसे खतरनाक बात पता चली है वो ये है कि अगर 3 लोगों को ये वायरस होता है तो उसमें से एक की मौत निश्चित है। मतलब कि इसका जो स्ट्राइक रेट है वो 33% से भी ज़्यादा है। अब सोचिए कि अभी हम ओमाइक्रॉन से उबर ही नहीं पाए थे कि इतने में नया वेरियंट आ गया है। अब अगर मैं ये पूरी तरह से दुनिया में फैलने लगा तो सोचकर देखिए कि कितनी भयावह कंडीशन होने वाली है आने वाले टाइम पर। इसकी जानकारी आई है वुहान लेबोरेटरी से। जानकारी रूस के अखबार में भी छप रही है और कहा जा रहा है कि ये वायरस भी सबसे पहले चमगादड़ में ही अंदर पाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि नियोकोव की संक्रमण और मृत्यु दर दोनों बहुत ही ज्यादा है। साल 2012 और 2015 में पश्चिम एशियाई देशों में इसके मरीज मिले थे, ये भी वुहान साइंटिस्ट का दावा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो बड़े वेरिएंट अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा पाया गया था उसमें अल्फा यूके में पाया गया था, बीटा जो है वो साउथ अफ्रीका में मिला था, डेल्टा हमारे इंडिया में मिला था और गामा ब्राजील में पाया गया था। वुहान के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का मानना है कि नियोकोव एक पुराना वायरस है, वो लंबे समय से जुड़ा हुआ है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा कि ये वायरस भविष्य में इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। WHO ने कहा है कि इंसानों में उभरते सभी संक्रामक रोगों के 75% से अधिक का स्रोत जानवर ही है, खासतौर से जंगली जानवर इसका सबसे बड़ा स्रोत है। नियोकोव में सिर्फ एक और न्यूट्रेशन के बाद वो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बन सकता है, इसका दावा WHO ने किया है। हमारे द्वारा दी हुई ये नए वेरिएंट पे जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, जिससे उन तक हमारी ये रोचक जानकारियाँ आसानी से पहुँच सके। हम आगे फिर मिलेंगे एक नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।